इस वीडियो में हम नॉन साल्टिक कोकोपीट के बारे में जानेंगे और इसका मेथड आप एप्लीकेशन देखेंगे। ये वाला कोकोपीट 5 kg वेट का है और इसमें अराउंड 18 से 25 लीटर वाटर लगता है इसके ट्रीटमेंट के लिए। वाटर सॉकिंग होने के बाद ये 12 kg का हो जाता है और 98 स्लॉट्स वाले 30 से 35 ट्रे के लिए पर्याप्त होता है, या यूं कहें एक ट्रे के लिए 400 ग्राम कोकोपीट काफ़ी होता है। इसके बारे में आगे डेमो के साथ डिस्कशन किया जा रहा है, जिसे देख के आपको कुछ महत्वपूर्ण जानकारियां मिलेंगी। तो इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हम इस डेमो को एक बार देख लेते हैं। पानी डालने की जरूरत नहीं है। क्या ऐसा प्रॉब्लम आ गई थी मालूम आपसे? लीची में लीची के पौधे आए और आज वो पौधे लगा कर दिए गए, फ्रूटिंग भी आ गई, लेकिन क्या ड्रिप से पानी भी चला दिया, तो पानी ऑलरेडी रिटेन करता है ना, ज्यादा पानी समझ गए ना, तो ज्यादा हो गया उसमें जो है ना, वो क्या कोई बीमारी आ गई उसमें जो है ना, तो वो ज्यादा पानी से भी वो जो है ना एब्जॉर्बेशन 50% के लिए वो साइंटिस्ट ही बताया 50% वर्मी कम्पोस्ट डालो, नो प्रॉब्लम, पौधा भी पुष्ट रहेगा और ये भी रहेगा। वर्मी कंपोस्ट की जगह ना सर, अपन जो वर्मी कुलाइट होता है, वर्मी कुलाइट और परलाइट अपना अच्छा, आपने मुझे नहीं बताया था जी जी, हमें इसको अच्छा वास भी करवाया वहाँ, हाँ ना वास कर। अब लेकिन इसको सिर्फ डुबा के रखिए, 1-2 घंटे में वो अपने तैयार हो जाएगा। मैंने तो 3-3 बार वास करवाया, सॉल्टी के चक्कर में। वॉश करवाने से तकलीफ ऐसा कुछ नहीं है, वॉश कराने से क्या होता है, इसमें जो इलेक्ट्रॉनिक कंडक्टिविटी होती है वो कम होना चाहिए। जब बनता है ना इसमें इलेक्ट्रॉनिक का वो आ जाता है, मशीन में जाता है, तो वो चीज़ पौधे के लिए हानिकारक रहता है, इसलिए उसको वॉश किया जाता है। पर ये जो है ये पूरा ट्रीटेड है, समझ रहा है ना, टेक्निकल पॉइंट है, आप लोग टेक्निकल आदमी है, इसमें कोई वॉश करने की जरूरत नहीं है। अपन जैसे 2 घंटे के लिए इसको भिगा दिए, 2 घंटे में पूरा खुल जाएगा। बस पानी जो इसमें डालते हैं वो हिसाब से डालना है, बहुत अब्जर्व करता है, बहुत अब्जर्व करता है। अभी जैसे सर इसमें पानी डालेंगे 18 से ज़्यादा लीटर डालते नहीं, अपने को ना उसमें कम करना है पानी, जैसे मैं भी बता नहीं, वो मत करो ना, वो आप बता दो, बाकी ये लोग कर लें, क्योंकि मैं बता देता हूँ डाल। हाँ बता दो, जब तक मीटिंग वीटिंग चले बता दो। हाँ ये तो थोड़ा जल्दी हो जाएगा, इतना टाइम नहीं लगेगा। हमें इसमें इतना ही पानी डालना है कि वाटर सॉकिंग हो जाने के बाद हथेली से दबाने पर चिपचिपापन महसूस हो, अतिरिक्त नमी को हाथ से दबाकर निकाल देते हैं। इसके बाद हम इसकी थोड़ी मात्रा लेंगे और इसे ट्रे के स्लॉट्स में डालेंगे, इसे भरते हैं और स्लॉट को अच्छी तरह से भरेंगे और इसके बीच में एक होल बनाएंगे, फिर सीड की बुआई करेंगे, इसे बीचों बीच डालना है। उसके बाद थोड़ा सा और कोकोपीट लेकर होल में डालना है और इसे हल्के हाथों से प्रेस करना है, इसे कॉम्पैक्ट नहीं करना है। यहाँ ये बात ध्यान में रखना ज़रूरी है कि इसे कॉम्पैक्ट कर देने से जो बीज होता है उसके अंकुरण में दिक्कत होता है, तो इसे हल्का ही रहने देना चाहिए ताकि अंकुरण सही हो पाए। इस पॉली हाउस के अंदर टमाटर के पौधों की नर्सरी लगाई गई है, इसमें लाखों पौधे हैं और हमने 98 स्लॉट्स वाले ट्रे का यूज किया है और सॉइल मीडिया के रूप में, ग्रोइंग मीडिया के रूप में हमने कोकोपीट का यूज किया है जो नॉन साल्टी है। ये वाले जो पौधे हैं यहाँ पर अधिकतर पौधे छोटे दिख रहे हैं, 1-2 पौधे बड़े दिख रहे हैं। अब जैसे पिछले वाले स्लाइड में हमने देखा था कि किस तरह से सोइंग करना है, अब सोइंग करने के बाद की जो प्रक्रिया है वो मैं आपको बताता हूँ। ये सोइंग हो जाने के बाद जो आपका ट्रे है उसको आप 3 से 4 दिन तक ढक के रखेंगे। इससे क्या होगा कि सीड को सही टेम्परेचर मिल जाएगा और
मान लीजिए अगर आप ओपन में रखते हैं अपने ट्रे को, तो वहाँ पर बारिश से भी बचेगा वो, और अंकुरण सही समय पर आता है। और जैसे साल्टी कोकोपीट और नॉन साल्टी कोकोपीट इसकी बात करें, तो जब हम साल्टी कोकोपीट का यूज करते हैं तो वहाँ पर अगर जर्मिनेशन आ जाए सीड सोइंग के बाद तो वो ठीक है, नहीं तो अगर जैसे नमी ज़्यादा हो जाता है, नमी में कोई फेर बदल हो कोकोपीट में और वो साल्टी रहा, तो हमारा जो सीड है उसके जो है गलने का संभावना वो बढ़ जाता है। और वहीं नॉन साल्टी का हम यूज करेंगे कोकोपीट, तो अंकुरण जो है 90% से ज़्यादा आता है। इस तरह हमको सही अंकुरण नॉन साल्टी कोकोपीट से मिल जाता है।